ये इसकी मान्यता हमारे पहाड़ी में पता क्या बोलते हैं कि जब आदमी मृत्यु लोग को प्राप्त होता है ना, तो बोलते हैं ये जो गिट्टियाँ लगाई होती है हमने ना, तो ये रास्ता दिखाती है हम लोगों को। तो आप लगा उनके लगाने हैं ना। हाँ ठीक है, ये मम्मी और मेरी दो बहनों के और एक मेरा चार। आपने कितने के लगाए? चार। आपने भी लगाए चार के। ये धुंध की चपेट में आ गया है तो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं जरा हम यहाँ जा पाते हैं। और भाई कहाँ लगी चोट? चोट दिल पे लगी। ये देखो उंगली में चोट लगी। बस अब दिखा दिया चोट का और क्या है? तब देखती ऊपर ऊपर नीचे नहीं देखती रास्ता। हाय एवरीवन, सुनील अपरोड पहाड़ी लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैं आपने चूड़धार में शिवलिंग के दर्शन किए हैं, भगवान शंकर जी के दर्शन किए हैं। तो मान्यता यही है कि जो भी यात्री यहाँ पे आता है तो सबसे पहले चूड़धार जाकर शिव भगवान के दर्शन करते हैं और शिवलिंग के दर्शन करते हैं, और उसके बाद करते हैं श्रीगुल महादेव जी के दर्शन, और उसके बाद करते हैं बिजट महाराज के दर्शन। तो हमने चूड़धार के दर्शन तो कर दिए हैं भगवान शिव के, और आज की वीडियो में मैं आपको दर्शन करवाने जा रही हूँ श्रीगुल महादेव जी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दर्शन करके हम आ चुके हैं, अब उसका काम रहता है इस तरह से पत्थर के ढेर लगाना। ये देखो भाभी जी लगा रहे हैं। तो हमारी पहाड़ी मान्यता है कि अगर जितने परिवार के सदस्य होते हैं तो उतने ही ये पत्थर के ढेर में लगाए जाते हैं। तो मान्यता है कि जब हम मृत्यु लोग को प्राप्त होते हैं तो ये जो पत्थर होते हैं लगाए हुए, तो ये हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। अच्छी बात है जी। तो भाभी जी ने लगा लिए हैं, सारे स्वर्ग में जाने चाहिए, और अब हम भी लगाएंगे अपने परिवार के। मैं भी लगा लेती हूँ। तो मैं भी उठाती हूँ चार पत्थर, ये मेरे हस्बैंड के नाम, ये मेरे नाम, और ये वाला पत्थर मेरे बड़े बेटे के नाम, और ये वाला पत्थर मेरे छोटे बेटे के नाम। दो तीन चार, चार हुए मेरे वो, दो मेरे भैया और भाभी, दो मेरी भतीजियाँ और एक मेरी दीदी। पत्थर के ऊपर तो इनके भी लगा लेती हूँ मैं। आप भी लगाओ पत्थर। ये मेरे माइक पत्थर जितने माइक पर वाले मेरे मम्मी के नाम से लगे थे, मेरे पापा को मेरे, मैंने भी लगाने अपने माइक के नाम से। छोटी फैमिली है उनके, और क्या जितनी फैमिली मेंबर है आपके, भाभी के नाम से, मेरे छोटे भाई के नाम से, उनके बच्चे के नाम से, पूरे फैमिली वाले मेरे माइक के वाले। आपको पता है ये क्यों लगाए जाते हैं? क्यों लगाया जाता है? तो आप बताओगे बड़े। इसकी मान्यता हमारे पहाड़ी में पता क्या बोलते हैं कि जब आदमी मृत्यु लोग को प्राप्त होता है ना, तो बोलते हैं ये जो गिट्टियाँ लगाई होती है हमने ना, तो ये रास्ता दिखाती है हम लोगों को। तो आप लगा उनके लगाने हैं ना। हाँ ठीक है, ये मम्मी और मेरी दो बहनों के और एक मेरा चार। आपने कितने के लगाए? चार। आपने भी लगाए चार के। दानिश कौन सा है? मैं। अच्छा आप दानिश है, और आप? नमन। नमन, दानिश और नमन मैंने भी लगा दी अपने परिवार के। परिवार पूरा आ रहा है देखो। हाँ इधर तो मायके वाला भी है और ससुराल वाला भी है अनुकर तो। आउट कर कर और लगा दिया। और थैंक यू सचिव मत बुलाए, इधर से रखो ऊपर को कहीं भी, कहीं पे भी रख लो। हमारा ढेर पत्थर का मोना लगा रही है अभी, मैं दिखाती हूँ। अच्छा, बाकी सास ससुर मोना ने लगा दिया है। आपने सुनीता दीदी लगा दी? मैंने लगा दी है। हाँ तो यहाँ पे लगा दी। और भाई कहाँ लगी चोट? चोट दिल पे लगी। ये देखो उंगली में चोट लगी। बस अब दिखा दिया चोट का और क्या है? तब देखती ऊपर ऊपर नीचे नहीं देखती रास्ता। ये देखो यार
भाई को उठ रहे हैं, सारे लग रहे फ्रेश। सो फ्रेंड्स, आपने अक्सर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे पत्थरों के ढेर तो देखे ही होंगे, तो जो मान्यता है हमारी संस्कृति में, पहाड़ी संस्कृति में, वो तो मैंने बता दी। लेकिन अगर मुसाफिरों की माने तो ये भी कहा जाता है कि मुसाफिर इन पत्थर के ढेर को एक चिन्ह के तौर पे लगाते हैं ताकि वो रास्ता ना भूले। और इसके साथ ही साथ हम फिर निकल पड़े थे नीचे की तरफ। हमें जाना था शेषनाग, एक बड़ा सा पत्थर है वहाँ पे, तो हमने जाना था वहाँ पे। तो चलिए दिखाते हैं कि जो ये चट्टान है ये किस तरह की दिखाई देती है। शेषनाग की आकृति जैसा है ये, देखो नाग चूड़ी। हाँ, ये नाग के, देखो नाग का मुंह, ये देखो सांप की तरह लग रहा, नाग की तरह लग रहा है ये वाला। और इसमें आदमी चढ़े हैं, हम भी जाएंगे इसके ऊपर, हम भी जाएंगे भाई। तो इस तरह से है, अब ये धुंध की चपेट में आ गया है तो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ से आए हम। हाँ, कैमरा ऑन करके चले हैं। आपको जो लेना था लो, आपको भी, आपको भी ले लेते हैं। हेलो गाइस, हाय। बड़ी हो सब। और ये है वो पत्थर, हाँ ये वाला पत्थर, यहाँ लोग चढ़े हैं लेकिन हमारा चढ़ना असंभव है तो इसलिए हम नहीं चढ़ पा रहे हैं, चढ़ पा नहीं रहे। मैंने तो चढ़ना था लेकिन जो हमारे साथ की साथी है वो मना करते हैं कि मत जाओ, ये थोड़ा डेंजर पॉइंट सा है। यार इतने टिटान दियो, ये तो जरूरत पा पूरा चलो मैं है, ये मना कर रहे हैं। जाना नहीं, जाना यार, मन नहीं रो पा रहा है। सुबह 20 बजे करीस के देखो यार, तो नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, तू सुन मुझे बारी चलो पूरा चलो। अब तो हम चल पड़े वापिस, और वहाँ है श्री गुरु महादेव जी का मंदिर जहाँ हम इस वक्त जा रहे हैं। भाभी जी अब तो पहुँच गए हैं यहाँ पे। ये तो जो मंदिर है वो जो है श्री गुरु महादेव जी का। हाँ तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम श्री गुरु महादेव के परिसर में, और आप आसपास देख रहे हैं कि धुंध छाई हुई है और यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है जिसमें सरिये वगैरह नीचे रखे हैं मैदान में। तो थोड़ा चाय पानी पी लेते हैं हम और उसके बाद फिर मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, श्री गुरु महादेव जी के परिसर में हम करीब 7:30 बजे पहुँच चुके थे और तब तक के लिए मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी जिसके कारण मैं इस शाम का कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई। मैं अपने फ़ोन को चार्जिंग पे रखा था और फिर मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग में ही वीडियो ली थी। और फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो तो काफ़ी लंबी होगी तो इसलिए मैं आज की वीडियो यहीं क्लोज़ करती हूँ। तो बताएं कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और हाँ, जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।